के साथ जेनोसाइड हो रहा है। ये एक मैसाकर है, बिल्कुल वैसे ही मॉडल पेश किया गया है मणिपुर में जैसा कि गुजरात में पेश किया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बीजेपी की सफाई नहीं होगी ऐसे मॉडल हिंदुस्तान देखता रहेगा आगे भी। बिल्किस बानो के केस में यही था कि भाई पेट चीर के बच्चा निकाल लिया तलवार के ऊपर। यहाँ ये हो गया कि दो औरतों को कपड़े उतार के उन्होंने बरहना करके फिर उसका गैंग रेप कर दिया। मुझे ये बताइए कि सिर्फ तरीके अलग हैं और मैं ये मानती हूँ कि जो ये आइडियोलॉजी 2014 से ज्यादा काम कर रही है या जब से इस आइडियोलॉजी को पावर मिल गया है, ये पावर में आके बैठ गई है, इस आइडियोलॉजी को खत्म करना और ये करने का काम जो है वो हिंदुस्तान की जनता का है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. Police, अगर uniform पहनकर इस काबिल नहीं है, अब इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं कि वो इतनी नाकारा और निकम्मी है कि वो नहीं बचा सकती, तो गवर्नमेंट चाहे बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो मणिपुर का वायलेंस रोकने के लिए बाहर से आर्मी भी डिपोर्ट मीट मखसूस जो है वो मणिपुर के रिलेशन में हम कर रहे हैं। मणिपुर से जिस तरह की खबरें नेशनल चैनल्स के थ्रू हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और वैसे तो ये मणिपुर का जो सानेहा हम इसे कहेंगे ये एक महीने से ज़्यादा हो गया और लोग इसे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि किस तरह का वहाँ पे दो गुटों के, दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जिसे कहते हैं कि जिसे कहना चाहिए कि मजालिम जो वहाँ पे ढाए जा रहे हैं मणिपुर में। तो आज ये विम हमारा एक प्लेटफॉर्म जो वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से ख़ास तौर से वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करता है या वुमेन से रिलेटेड मखसूस इश्यूज जो है उनके लिए हम बात करते हैं, तो ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि जो अभी 3-4 दिन पहले जिस तरह का औरतों को लेके एक वीडियो वायरल हुआ कि हम उस पर बात करें। हम बहुत ही दिल की गहराइयों से सबसे पहले तो इस तरह के हादसात को कंडम करते हैं, और दूसरी बात कि हम अफसोस का इजहार करते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं या हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे औरतों को बरहना, सड़क के ऊपर परेड कराना और उसके बाद उनके साथ एक ग्रुप का असमत रेजी करना या ग्रुप गैंग रेप कहिए आप इसे, और उसके बाद उनके साथ जो और दूसरे तरीके के मजालिम या जुल्म जो ढाए गए हैं, ये देखने में आ रहा है कि जिस तरह की सत्ता आज हिंदुस्तान पर राज कर रही है, ऐसे तो बहुत सारे मामलात हैं जिसमें महसूस होने लगा है कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, क्या हम अपने आप को कह सकते हैं कि ये कंट्री हमें तहफ़ दे रही है। और वायलेंस जिस तरह का देखने में आ रहा है, देखिए कुकी एक कम्युनिटी, बेचारी क्रिश्चियंस माइनॉरिटी कम्युनिटी उन्हें कहिए, और उसके बाद जो दूसरी एक हिंदू कम्युनिटी मैतई जो है वहाँ पर, इनका आपस में जिस तरह का भी भिड़ंत हुआ, यूँ तो हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा लाल रही कम्युनल वायलेंस के नाम पे, बहुत बड़े बड़े मसाकार हमने देखे, एक हमने गुजरात में देखा और आज ऐसा महसूस होता है कि एक दूसरा गुजरात मणिपुर को बना दिया गया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो शर्म की बात और अफसोसनाक बात यह है कि अभी भी चीफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैं समझती हूँ विद द इमीडिएट इफेक्ट मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात है कि जब हम थोड़ा सा इधर उधर घूम के नज़र फेराते हैं तो ये मामला सिर्फ मणिपुर का ही नहीं है बल्कि 2014 से ये एक चेन बनी हुई है कई सारे मामलात की। अभी एक चीज़ और देखिए कि सीबीआई को एंट्री नहीं दी जा रही मणिपुर में, और उसके बाद इस बात का प्रोब किया जा रहा है या इस बात की तहकीक की जा रही है कि आखिर ये वीडियो वायरल कैसे हुआ, जबकि वायलेंस जब शुरू हुआ मणिपुर में तो इंटरनेट को पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि हम ज़्यादा शर्मनाक और ज़्यादा अफसोसनाक या ज़्यादा तकलीफ दे बात किसको कहें। मणिपुर में जो हिंसा भड़क रही है, महीने हो गए उस पर कोई जिसे कहते हैं कि एक्शन नहीं है, उसे रोकने की कोई तजावीज़ पेश नहीं की गई है, उसके ऊपर मुल्क के प्रधानमंत्री की जो खामोशी है, अब ये जो 2-4 दिन से जो ये मामला वायरल हुआ कि किस तरह से
उन दो औरतों को बरहना करके उनको परेड कराया गया और उन्हें खुलेआम उनकी असमत रेजी की गई। क्या हम ये समझें कि ये स्टेट या गवर्नमेंट या अथॉरिटीज जो हैं उनके शय पे किया जा रहा है? क्योंकि पुलिस के होते हुए अगर इस तरह के मामलात खुलेआम सामने आ रहे हैं, ये औरतों की हिफाजत पे नहीं, इंसानियत की हिफाजत पे बहुत बड़ा एक धब्बा है, बहुत बड़ा एक सवाल है। अच्छा, उसके बाद एक देखिए कि उसमें जो दो औरतों को जिस तरीके से बरहना करके असमत रेजी उनकी हुई और उन्हें पूरे शहर में घुमाया गया, बोलने में भी बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, उसमें से एक तो ऐसी भी बेचारी औरत है कि जिनके शौहर सूबेदार रहे हैं, वो कारगिल की वॉर में शामिल थे। हमारे मुल्क के ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि देश भूमि उनके लिए सबसे पहले है, मातृभूमि उनके लिए सबसे पहले है, मदर लैंड बोला जाता है हिंदुस्तान की सरजमीन को, ठीक है, और मदर की जो तस्वीर है वो एक मूर्ति बनाई जाती है जो एक औरत की शक्ल रखती है, और उसी सरजमीन पे औरतों के साथ इस तरह की बर्बरता, वो भी खुलेआम, और उसके बाद उस पर कोई चेक नहीं, उसके बाद उस पर कोई रोक नहीं, ये बहुत अफसोस का मुकाम है। हम इसको बहुत पूरी तरीके से कंडम करते हैं। चूँकि हमारे पास आज शायद इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम जाके उसे हाथ से रोक सकते, मगर हम जहाँ बैठे हैं हम वहाँ से दुआ करते हैं कि इस तरह के वायलेंस को जो है वो रोका भी जाए और जो लोग अभी बच गए हैं उनको तहफ़ फराहम करा जाए। सिर्फ इस बिना पे कि ये दो कम्युनिटीज़ अलग अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हैं और उसमें से एक कम्युनिटी ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अभी देखने में ये आ रहा है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी होना ही आपका सबसे बड़ा जुर्म हो गया है। अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो ना आपकी नस्लें महफूज हैं, ना आपके घर महफूज हैं, ना आपकी औरतों की इज्जत महफूज है। तो ये बहुत शर्मनाक सानहा है और इसको हम पूरी तरीके से कंडम भी करते हैं। और हम तो सीधे सीधे गुहार लगाते हैं कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को फौरन विदाउट एनी डिले रिज़ाइन कर देना चाहिए। और एक सवाल आखिर में हम ये भी करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही गवर्नमेंट स्टेट में भी बैठी हुई है, उसके बावजूद इस पे कोई रोकथाम नहीं लगाई गई, जबकि पावर उनके हाथ में है, पुलिस उनकी है। अगर पुलिस नाकाफी है या इस काबिल नहीं है कि वो रोक सके, तो फिर हमारे पास डिफेंस भी है, हमारे पास आर्मी भी है, हम उसे भी वहाँ भेज सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि पावर और अथॉरिटी के हाथ में ये पूरी पूरी गुंजाइश है कि वो चाहें तो अपना जोर लगा के इस मामले को बहुत पहले रोक सकते थे, इस वायलेंस को ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन आए दिन इस मणिपुर के केस में जो बर्बरता देखने को मिल रही है वो वाकई बहुत शर्मनाक। वुमेन इंडिया मूवमेंट इस वक्त हर स्टेट से अपना एहतजाज दर्ज कर रही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बनाया ही उन औरतों के लिए गया है जो बेचारी किसी ना किसी भी तरीके से मुआशरे में, या तो मुआशरे का या फिर इंसानियत का, या कहिए कि सियासियत का, सियासी होने का जो भुगतान भुगतती हैं या कीमत देती हैं, हम उन सभी के साथ हैं, हम उन सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं। इस वक्त पूरे कर्नाटका में विम के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी एहतजाज चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं पिछले 2 से 3 दिनों में, और अभी आने वाले दिनों में भी हम अपने एहतजाज हर तरीके से, चाहे बात करके, चाहे लिख कर, या फिर सड़कों पे आके हम एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे। क्योंकि ये जो हादसे हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं ये कतई कतई किसी भी तरीके से नाकाबिले कबूल हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी 2 दिन पहले टूट गई, 79 डेज के बाद 56 इंच के अंदर दर्द हुआ और उन्होंने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन क्या मैं पूछना चाहूँगी हिंदुस्तान की जनता से कि उनका ये जुमला क्या वाकई इस बात को दर्शाता है कि उनको तकलीफ हुई इसलिए उन्होंने अपने लब हिलाए, या फिर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि चूंकि वो इस पोजीशन पे बैठे हैं तो उनकी एक मजबूरी है कि जिसके चलते उन्होंने अपने होठों को थोड़ी सी हरकत दे दी, वरना और तो हमें अभी तक कुछ कहने और सुनने को मिला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक प्रेस मीट इसलिए मकसद से रखा गया है कि जो मणिपुर में बर्बरता हुई है 4 दिन पहले, दो औरतों को बरहाना तरीके से जो एक ग्रुप के तौर पर उन्हें नंगा परेड कराया गया है, तो एक बहुत तकलीफ दे बात है जो आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे को जो है एक अफसोसनाक वाक़ा नज़र आया है। आज तक जो भी हम देखते थे एक रेप केसेस के ताल्लुकात से और जो है ना औरतों को जुल्म और शिकार के ताल्लुकात से हम देखते थे, लेकिन एक आज नंगा नाच हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है जो औरतों को नंगा करके
जो है ना रोड पे परेड कराया गया है, ये मोदी जी के राज में हो रहा है। जो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है, हम इसको कंडम करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे दे। जो इस खतरनाक तरीके से औरतों की जो है ना बेइज्जती और बेहुर्मती कर रहे हैं, और उन्हें जो इतने लोग जो शामिल थे, इन लोगों को सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई हो जाए। इससे पहले का एक ख़तरनाक वाक़ हम से गुजर चुका है, जो बिल्किस बानू के गुनहगारों को जो है ना रिहा किया गया था। लेकिन इस वाक़े में ऐसा ख़तरनाक चीज़ नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए। आज जो श्रीमती ईरानी जो एक गैस के रेट पर बढ़ने पर चूड़ियाँ दी जाती थी उन्हें, आज इतना वो एक औरत हैं, लेकिन औरत होने के बावजूद भी एक ट्वीट कर जो है ना अपना अपना एक ये एहतजाज और एक अपना फर्ज समझती हैं कि एक ट्विटर पे ट्वीट करने से मेरे फ़राइज अदा हो गए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक और दो औरतों को जो है ना बरहाना तौर पर परेड कराया गया है, तो वो खुद इस चीज़ का कंडम करें और बाहर आकर प्रेस मीट कर इस गवर्नमेंट को जो है ना हुक्म दे कि वो इस चीज़ को ख़तरनाक तरीक़े को रोका जाए। देखिए आज मणिपुर में हुआ है ये वाक़या है, अब हमें देश में कहीं भी औरतें जो है ना महफूज नहीं नज़र आती हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो बीजेपी लेकर आई थी, इसको किस तरह ख़तरनाक मोड़ पर वो लेकर चली गई हैं, ये दुनिया को और मालूम होना चाहिए। हमारे मोदी जी जो है ना वर्ल्ड टूर करते हैं, अब किस मुंह से जो है ना वर्ल्ड टूर कर ये अपने देश का जो है ना झंडा लहराएंगे कंट्री में, अदर कंट्रीज में जाकर, कि यही बताएंगे कि हम औरतों को बराहना परेड करते हैं, ये बताएंगे अपने विश्व गुरु कहलाने के चाहते हैं, यही कहलाएंगे कि विश्व गुरु के औरतों को बेइज्जत किया जाए, औरतों के साथ रेप हुआ जाए, उन्हें बराहना परेड किया जाए। ये हमारा सवाल है बीजेपी गवर्नमेंट से कि हम ऐसे औरतों को कब तहफ़ दिया जाएगा। एक आम औरत आज बाहर निकलने के लिए जो है ना डर और खौफ का माहौल है, तो ये तो इतना ख़तरनाक है कि एक आम औरत और बच्ची भी बाहर घर से बाहर निकलने के लिए आज हम लोग महफूज नहीं समझते हैं, डरी और सहमी भी हैं कि वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो वायरल क्यों हुआ है जबकि इंटरनेट बंद है, तो फिर किस तरीके से ये वीडियो वायरल किया गया है, ये जानबूझकर वीडियो वायरल किया गया है। जो हम लोग चाहते हैं कि औरतों को तहफ़ देने की गवर्नमेंट है, लेकिन आज हम बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना तहफ़ देने में नाकाम है। हम कंडेम करते हैं वुमेन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से कि इस ख़तरनाक खेल को मोदी जी बंद कर दें और जो है ना अपना इस्तीफ़ा मोदी जी भी दें, ना कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को भी शर्म में आना चाहिए कि उन्हें तो शर्म नहीं आएगी क्योंकि उनकी बहू और बेटी तो है नहीं, उन्हें तो तकलीफ़ होगी नहीं। तो इसलिए हमें तकलीफ़ होती है कि हम एक औरत हैं, एक औरत को एक बराहना तौर पर परेड कराया जाए तो हमारी रूह और कांप जाती है कि देख करके हम औरतों को इस दुनिया इस कंट्री में तहफ़ नहीं है। जी इंशाल्लाह, क्योंकि आप देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जो 2014 से जो गवर्नमेंट आई है, जब से रेप केसेस ज्यादा हो गए हैं और उन्हें हो गए हैं, मगर वाकयात जो हो रहे हैं ना अब मंजर आम पर आ रहे हैं, इससे पहले भी हो चुके हैं। अब 2 महीने के बाद ये वाकया होने के बाद, जो 2 महीने बाद वीडियो वायरल होने के बाद, जब पब्लिक एक्टिव है, हाँ नहीं, 2 महीने पहले भी जो है ना ऐसे कई वाकयात हुए हैं, वीडियो वायरल होने के बाद आप इतना एक्शन ले रहे हैं, ताकि आप एक ऐसी टीम बनाइए जिससे जो है ना वो ऐसे वाकयात को रोक सके। हम लोग यहाँ पर नहीं, मैं बताती हूँ, जब से मणिपुर का वायलेंस शुरू हुआ है हम लोग तब से एहतजाज में हैं, चाहे वो हमारे कलम का एहतजाज हो, चाहे वो सड़क के किनारे खड़े होकर हमारी चीखें हों, या वो हमारा एहतजाज जो है वो जुबानी हो, हम अपना एहतजाज उस वक्त से दर्ज करा रहे हैं जब से मणिपुर वायलेंस स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को अटैक करना और ब्रूचल तरीके से अटैक करना, यानी उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है, ये एक मैसाकर है। बिल्कुल वैसे ही मॉडल पेश किया गया है मणिपुर में जैसा कि गुजरात में पेश किया गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बीजेपी की सफाई नहीं होगी ऐसे मॉडल हिंदुस्तान देखता रहेगा आगे भी। हो गया है जी हाँ, बिल्किस बानू के केस में यही था कि भाई पेट चीर के बच्चा निकाल लिया तलवार के ऊपर, यहाँ ये हो गया कि 2 औरतों को कपड़े उतार के उन्होंने बरहना करके फिर उसका गैंग रेप कर दिया। मुझे ये बताइए कि सिर्फ तरीके अलग है मगर क्रुएल्टी जो है, बर्बरता जो है, जुल्म जो है वो अपनी पूरी शिद्दत पर है। और मैं ये मानती हूँ कि जो ये आइडियोलॉजी 2014 से ज्यादा काम कर रही है, या जब से इस आइडियोलॉजी को पावर मिल गया है, ये पावर में आके बैठ गई है,
इस आइडियोलॉजी को खत्म करना और ये करने का काम जो है वो हिंदुस्तान की जनता का है, क्योंकि जनता ही डेमोक्रेसी में हाकिम भी है और महकूम भी है, उनको वहां बिठाने वाली जनता ही है। सुनिए, मैंने अभी अपने बयान में कह दिया कि पुलिस अगर यूनिफॉर्म पहनकर इस काबिल नहीं है, अब इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं कि वो इतनी नाकारा और निकम्मी है कि वो नहीं बचा सकती, तो गवर्नमेंट चाहे बाहर, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो मणिपुर का वायलेंस रोकने के लिए बाहर से आर्मी भी डिपोर्ट की जा सकती थी। हमारे पास डिफेंस भी है, हमारे पास और भी कई सारे सब ऐसे क्या कहते हैं फोर्सेस हैं इंडिया में जो काम करती हैं ऐसे टाइम पर, लेकिन ये जानबूझ के एक कम्युनिटी को अंडर अटैक भी किया गया है, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो आइडियोलॉजी इस वक्त मुल्क में काम कर रही है उनका एक एजेंडा ही है कि माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से खत्म कर दो, कुचल दो। इनको ऐसा लगता है, जबकि ये सही नहीं है, मगर इनको लगता है कि शायद माइनॉरिटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी तो ये पूरी तरीके से खुलेआम पावर में आएंगे और ये अपनी मनमर्जी चलाएंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन है कि कोई ये कह दे कि जी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। पुलिस ही तो लॉ एंड ऑर्डर चलाती है किसी भी शहर का, तो अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार पुलिस, और पुलिस किसके अंडर में आती है, तो चीफ मिनिस्टर, और फिर चीफ मिनिस्टर की जब हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर भी किसका है, किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता है, कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो जाहिर सी बात है। तो ये खुलेआम हो रहा है और विद द बैकअप और फुल सपोर्ट ऑफ ऑल द अथॉरिटीज हो रहा है, ये गवर्नमेंट के बैकअप से ही होने वाले काम है, उनके बगैर ये नहीं मुमकिन। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.